नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको ORS पाउडर के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह ORS पाउडर हमारे शरीर में क्या फायदा देता है और क्या नुकसान देता है। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आपके शरीर के अंदर अतिरिक्त जो तरल पदार्थ रहता है और नमक रहता है, यह बाहर निकल जाता है, तो उतने समय आपको डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है और पानी की कमी हो जाती है। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप गर्मियों के मौसम में गलत खान पान का प्रयोग कर ले रहे हैं, ज्यादा मसाले वाली चीजों का प्रयोग करें, तो उससे आपको क्या होता है, उल्टी दस्त चालू हो जाता है। उल्टी दस्त चालू होने से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है, तो उतने समय आपका शरीर जो रहता है वह एकदम कमजोर हो जाता है। तो उतने समय यह ORS पाउडर जो रहता है वह एक सरल उपाय रहता है कि तुरंत यह आपके बॉडी को जो तरल पदार्थ यह आपके शरीर से बाहर निकल गया उसे पूरा करने के लिए तुरंत यह ORS का जो पाउडर आता है मार्केट में, यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहता है। तुरंत इसको अगर आप पी रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की जो या कमजोरी की समस्या, जो चक्कर की समस्या आ रही है, इसे आप सही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी BP अगर लो हो जाती है तो उस समय भी डॉक्टर आपको ORS का पाउडर घोल के पीने की सलाह देते हैं, जिससे आपकी चक्कर की समस्या जो रहती है या BP लेवल जो डाउन रहता है वह धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिससे आपको चक्कर की समस्या सही हो जाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उतने समय फ्लूड आपको चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर आपको कुछ ड्रिप चढ़ा करके आपके डिहाइड्रेशन की समस्या को या पानी की कमी को, जिसे कहते हैं शरीर के अंदर जब बॉडी के में पानी की कमी हो जाती है, तो उतने समय डॉक्टर आपको वह बॉटल चढ़ाते हैं जिससे आपकी पानी की कमी को पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर पानी की कमी शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो उतने समय ध्यान रहे। अगर आपको उल्टी दस्त चालू हो गया तो तुरंत आप ORS का पाउडर नॉर्मली घर पे घोल करके उसे आप लेते रहें। और ज्यादा अगर आपकी उल्टी दस्त की समस्या बढ़ती जा रही है तो आप तुरंत घर पर बैठे ना, तुरंत आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, कंसल्ट करें, उससे आप इलाज कराएं ताकि आपकी ये समस्या जो है जड़ से खत्म हो सके। दोस्तों, यह ORS पीने से आपके शरीर में फ्लूड का लेवल जो रहता स्तर रहता है वह सही हो जाता है, इसलिए डॉक्टर आपको ORS का पाउडर देते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ORS का यह पाउडर जो है वह कितने रुपए का कहाँ मिलता है। दोस्तों, यह है आपका ORS पाउडर जो है यह आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर लगभग 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक आप ले सकते हैं, और ऊपर भी जितना भी आप आगे जाएंगे उतना बड़ा आपका आपको फाइल मिलता रहेगा, उसे आपका कास्ट भी लगता रहेगा। तो जहाँ तक हो, आप अगर ज़्यादा पास पैसा नहीं है तो आप 4 रुपए से लेकर के आप 20 रुपए तक आप नॉर्मली ले सकते हैं। चलिए जानते हैं किस किस नाम से यह आपका ORS पाउडर मार्केट में मिल जाए। जैसे दोस्तों, मार्केट में आपको इलेक्ट्रा मिल जाएगा, ORS मिल जाएगा, मैनकाइंड का एक आता है इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएगा, इसी तरह मार्केट में बहुत सारे जो ORS का पाउडर आता है। तो आप मार्केट में किसी भी कंपनी का ORS पाउडर ले करके आप अपनी डिहाइड्रेशन की समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, यह जो ORS पाउडर है इसे आप डेली यूज ना करें। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप डेली यूज ना करें, क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि फ्लू लेवल बढ़ सकता है BP के। मान लीजिए आपका BP हाई है तो उतने समय भी आप ORS का पाउडर ले रहे तो उतने समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर फ्लूड की कमी हो गई है या आपको डिहाइड्रेशन की कमी हो गई है तो उतने समय इस ORS पाउडर आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस ORS पाउडर को आप किसी भी उम्र के बच्चों को या बुजुर्गों को या किसी युवाओं को आप दे सकते हैं। ध्यान रहे, अगर बहुत छोटा है बच्चा आपका, वो नहीं ORS पी रहा है, तो उतने समय उसको ना दें, डॉक्टर को दिखाएं ताकि उसकी यह समस्या सही की जा सके। चलिए जानते हैं कि इस ORS पाउडर को हमें कितना लेना रहता है और कितनी बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई है तो आप 1 चम्मच उसमें एक लगभग 100 ml पानी मिला करके उस ORS पाउडर को आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समस्या है, जब जब आपका गला सूख रहा है पानी की कमी का, तो उतने समय आप गर्मियों के मौसम में इस ORS को आप ले सकते हैं, क्योंकि गला भी सूखने का कारण होता है डिहाइड्रेशन की कमी। तो उतने समय आप इस ORS पाउडर को लगातार लेते रहें ताकि आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या आपको परेशान ना करे और ना ही आपको पानी की कमी शरीर में हो। क्योंकि ज़्यादातर वैसे भी रहता है कि पसीना होता है जब गर्मियों के मौसम, तो उससे भी आपका तरल पदार्थ जो रहता है और नमक जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो उतने समय आप ORS ले करके अपने इस समस्या को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप सपोर्ट भी करते रहें, देना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।